हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। माय नेम इज विपिन सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, चैप्टर एक्चुअली बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक समराइज टाइप का भी दिया है, तो वीडियो को पूरा देखना यार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम जानेंगे कि सिविक्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है उसके बारे में। इस पर्टिकुलर जो जैसे मैंने आपको भी वीडियो में डिफाइन किया, जैसा मैंने आपको भी वीडियो में बताया कि SST के जितने भी क्या कहते हैं आपके चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम कवर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे तो ईजिली आपके समझ में भी आएगा और आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकेंगे। ठीक, तो देखिए ये आपके पावर शेयरिंग का पार्ट फर्स्ट है। पावर शेयरिंग के पार्ट फर्स्ट में आप एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड इट्स एकोमोडेशन ये कवर करेंगे और एथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और श्रीलंका में सिविल वार क्यों हुआ इसे कवर करेंगे। ठीक, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, तो पावर शेयरिंग की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है वह हिंदी में आप कह सकते हो शक्तियों का वितरण, लेकिन अगर इसे हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वेरियस यूनिट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज नोन एज पावर शेयरिंग। ओके, कहने का ये मतलब है, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जब किसी पावर्स को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को पावर शेयरिंग कहा जाता है। ओके, सेकेंड थिंग, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डिविजन ऑफ पावर इन वेरियस फॉर्म। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एक शक्ति को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं उन सभी के बीच में कंफ्लिक्ट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए ये पावर है। ठीक, अगर ये एक पावर किसी एक पर्सन को दे देंगे तो वो पर्सन क्या करेगा, अपने उस पावर से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ओके, और अगर यही पावर हम सोसाइटी में सभी कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पावर को इसीलिए इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है हर जगहों पर ताकि कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या हों, रिड्यूस हो जाएं। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट इट What is the exact meaning of power sharing? Okay. अब देखिए power sharing को हम समझेंगे दो चीज़ों की मदद से। ठीक, दो countries की story की मदद से हम power sharing के concept को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। The first story of Belgium, it is a European country and the second is Sri Lanka and I hope you all know कि Sri Lanka is a island country which is situated in a southern part of our country. Okay. So the next slide is द नेक्स्ट टॉपिक इज एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ओके, एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब देखिए एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वर्ड एथेनिक है इसका मतलब क्या है। एथेनिक का मतलब होता है होमोजीनियस, एथेनिक का मीन्स होता है होमोजीनियस। आप कह सकते हो कि अलग अलग, डाइवर्स। ओके, या कह सकते हो, यहाँ पे देखिए एथेनिक वर्ड का यूज़ इसीलिए किया गया है, बताया जा रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक, तो आइए बेल्जियम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। सेकेंड थिंग, ये अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को 4 कंट्रीज से शेयर करती है। अभी लास्ट ईयर से क्या हो रहा है, लास्ट ईयर से आपके CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ बेस्ड क्वेश्चन, एजर्सन रीजन, मैथ्स द फॉलोइंग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि बेल्जियम बताइए, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो किससे किससे अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शेयर करती है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री एंड इट्स शेयर दियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद फ्रांस, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग एंड नीदरलैंड। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। पॉपुलेशन वाइज ये बहुत ही छोटी कंट्री है। ओके, सो लेट्स नो द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज दैट देयर आर 59% पीपल्स आर डच स्पीकर एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन। ओके, 59% आपके डच स्पीकर्स थे जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। देयर आर
40% पीपल्स आर फ्रेंच स्पीकर एंड दे लिव इन वेलोनिया रीजन। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की पॉपुलेशन का जो 40% पीपल्स थे वो सब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और सब वो सब जहाँ पे रहते थे वो जगह थी आपकी वेलोनिया रीजन। एंड द रिमेनिंग 1% आर जर्मन स्पीकर एंड दे लिव इन बोथ रीजन्स। ठीक है, ये मैप है आपके, क्या कहते हैं, बेल्जियम का, उसमें ये बता रहा है कि कहाँ पे आपके क्या कहते हैं डच स्पीकर्स रहते थे और कहाँ पे आपके फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कितना परसेंट वहाँ पर थे और वो कहाँ रहते थे। तो 59% आर डच स्पीकर्स लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड 40% आर फ्रेंच स्पीकर लिव इन वेलोनिया रीजन। दिस फैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, एंड द नेक्स्ट, ओके, अब देखिए कुछ आगे जानते हैं। हमने आपको बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बता दिया, थोड़ा सा और। ओके, द डच स्पीकर्स आर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच स्पीकर्स आर इन माइनॉरिटी। डच स्पीकर पूरी की पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, लेकिन फ्रेंच स्पीकर आपके पूरी की पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे। बट फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स आर वेल एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड डच स्पीकर पर्सन वॉन्ट्स टू इन्जॉय देयर मेजॉरिटी इन बेल्जियम, बट दिस थिंग इज नॉट हैपन इन बेल्जियम बिकॉज द कंट्रोवर्शियल पॉइंट इन बेल्जियम इज दैट द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स हैव डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन। देखिए बहुत ही गजब की बात बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें कह रहा है कि पूरी की पूरी कंट्री में आपके डच स्पीकर्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकर्स आपके माइनॉरिटी में थे, लेकिन जो आपके बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स में आपके फ्रेंच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, और आपके फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो डच स्पीकर्स के कंपेरिजन में मोर क्या कहते हैं पावरफुल और एजुकेटेड थे। यही एकमात्र कारण था जिसके कारण आपके डच स्पीकर्स अपने मेजॉरिटी को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मेजॉरिटी को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ ब्रसल्स के कंट्रोवर्शियल पॉइंट के कारण वो लोग अपनी मेजॉरिटी को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरी कंट्री में तो वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे। तो आइए ब्रसल्स के एथनिक कंपोजिशन को जानते हैं। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रसल्स इज दैट 80% आर फ्रेंच स्पीकर एंड 20% आर ओनली डच स्पीकर। देखिए ब्रसल्स में क्या है, ब्रसल्स जो आपके बेल्जियम की कैपिटल सिटी है वहाँ पे 80% आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं और जो कि मोर पावरफुल और एजुकेटेड हैं, और 20% से ही आपके केवल डच स्पीकर्स हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में डच स्पीकर्स अपने मेजॉरिटी को इन्जॉय कर पाएंगे? नो वे, कोई चांस ही नहीं है। दैट्स वाई द डच स्पीकर्स कुड नॉट इन्जॉय देयर मेजॉरिटी इन बेल्जियम एंड बोथ द कम्युनिटी एकोमोडेट देयर प्रॉब्लम बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जब डच स्पीकर्स को ये पता चल जाता है कि अपनी मेजॉरिटी को वो कंट्री में इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो एकोमोडेशन पे आ जाते हैं, सेटलमेंट पे आ जाते हैं, और दोनों के दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट करते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एकोमोडेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे। तो लेट्स सी द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। द लीडर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम 4 times बिटवीन 1917 to 1993। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बेल्जियम के दोनों कम्युनिटी के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times अमेंड किया था 1970 से लेकर 1993 के बीच में। क्यों? ताकि उसी कंट्री में वो लोग शांति से रह सकें, पीस एंड हारमोनी से लिव कर सकें। ठीक, सम एसेंशियल पॉइंट रिलेटेड टू दिस अमेंडमेंट आर, ठीक, कुछ एसेंशियल पॉइंट जानेंगे इस अमेंडमेंट से रिलेटेड। इस अमेंडमेंट, ये इतनी बार अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्यों बार बार वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे थे? ताकि उसी पर्टिकुलर कंट्री में वो दोनों कम्युनिटी के लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकें। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट क्या आपके अमेंडमेंट का, पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ बोथ कम्युनिटी शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेजर डिसीजन कुड नॉट बी मेक बाय एनी कम्युनिटी यूनिलेटरली। ये कह रहा है कि पहला पॉइंट आपके ये बता रहा है कि जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे और कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई भी डिसीजन अकेले नहीं मेक करेगी। यूनिलेटरली का मतलब होती है अकेले, कोई भी कम्युनिटी अकेले कोई भी डिसीजन मेक नहीं करेगी। कोई भी डिसीजन अगर मेक होगा तो उसमें दोनों ही कम्युनिटीज के पीपल्स का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, मैनी पीपल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बी सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और ये कह दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने कुछ अलग सब्जेक्ट्स पे वर्क करेगी और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कुछ अलग सब्जेक्ट्स पे वर्क करेगी. और स्टेट गवर्नमेंट जिन भी चीज़ों पे वर्क करेगी वो उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस के या उनके ऑर्डर्स का वेट नहीं करेगी, अपने अपने तरीके से उन सब्जेक्ट्स पे वर्क करे और उसका जवाब भी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड, इन द सेल्स अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड एंड बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव इन ब्रसेल्स. ओके, कहा गया ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और कह दिया गया कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है आपके बेल्जियम की, वहाँ पे भी दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल रहेंगे जैसा कि सेंट्रल में था. ओके, और लास्ट पॉइंट ये था कि एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसी एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाए. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच फॉर्म बाय अ सिंगल कम्युनिटी. ओके, तो आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है. ठीक है, अगर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं समझ में आया तो आप लोग बार बार इस पर्टिकुलर वीडियो को रिवाइज करिए और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उस टॉपिक को मेंशन करिए. ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, आपकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सभी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो था उसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया था, ब्रसेल्स में. तो ये आप लोग याद रखना, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ब्रसेल्स में. ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सिचुएटेड इन ब्रसेल्स. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड स्टोरी पे. ठीक है, पहले दोनों स्टोरीज को हम कवर करेंगे, इसके बाद दोनों स्टोरीज की कंडीशन को कंपेयर करेंगे. आपने बेल्जियम की स्टोरी देखी, वहाँ पे क्या हुआ, डच स्पीकर्स पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे लेकिन वहाँ की कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में थे, जिसके कारण वो अपनी मेजॉरिटी को इन्जॉय नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकोमोडेशन पे वो लोग क्या हुए, एग्री हुए. अब श्रीलंका में कुछ अलग देखने को मिलेगा, श्रीलंका में कुछ अलग देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका वाज इज मच डिफरेंट इफ वी कंपेयर इट विद बेल्जियम. अगर बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन से हम इसे कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंट है. कैसे, देखिए श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन में क्या था, यहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 74% आपके सिन्हाला स्पीकर्स थे और 18% आपके तमिल स्पीकर्स थे. ओके, 74% आपके क्या थे, सिन्हाला स्पीकर एंड 18% आपके क्या थे, तमिल स्पीकर्स. ओके, और 7% जो आपकी पॉपुलेशन थी वो लोग क्रिश्चियन थे और वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे. एक और चीज़ आपको बता दूं, जो ये सिन्हाला स्पीकर्स हुआ करते थे ये बुद्धिज्म रिलीजियस को फॉलो करते थे. किस रिलीजन्स को, बुद्धिज्म रिलीजियस को. और जो आपके तमिल स्पीकर्स थे ये हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे. ओके, जो आपके तमिल स्पीकर्स थे ये आपके बोथ रिलीजियस को फॉलो करते थे, हिंदू रिलीजियस को भी और क्या कहते हैं मुस्लिम रिलीजियस को भी. लेकिन आपके जो सिन्हाला स्पीकर्स थे 74% श्रीलंका में, वो लोग केवल और केवल बुद्धिज्म रिलीजियस को फॉलो करते थे. और 7% जो आपकी रिमेनिंग पॉपुलेशन थी वो थे क्रिश्चियन रिलीजियस और वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे, सिन्हालास भी और तमिल भी. ठीक, अब डिस्प्यूट यहां पे क्या हुआ, देखिए पहली बात यहां पे बेल्जियम की तरह, बेल्जियम में जिस तरीके से ब्रसेल्स एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं था. यहां पे ऐसा नहीं था कि यहां की कैपिटल में क्या कहते हैं आपके तमिल स्पीकर मेजॉरिटी में है और आपके सिन्हाला स्पीकर माइनॉरिटी में. यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, यहां पे आपकी पूरी की पूरी कंट्री में सिन्हाला स्पीकर ही मेजॉरिटी में थे. तो जाहिर सी बात है कि जब कोई कम्युनिटी किसी जगह पे मेजॉरिटी में रहेगी तो अपनी मेजॉरिटी को पूरी तरीके से इंजॉय करने की कोशिश करेगी. और यही कारण बनता है जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास ज़्यादा पावर आ जाते हैं तो अपने पावर को माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिससे कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक, अब देखिए आगे. सो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, बट इन बेल्जियम देर इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, दैट्स वाई द बोथ कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम इज एकोमोडेट देयर डिस्प्यूट एंड श्रीलंका देयर इज नो कंट्रोवर्शियल पॉइंट. इन श्रीलंका सिन्हालाज इंजॉइंग देयर मेजॉरिटेरिज्म एंड इग्नोर द राइट्स ऑफ तमिल स्पीकिंग पर्सन. ठीक है, देखिए सीधे सीधे बोला गया है कि आपके श्रीलंका में जो आपकी
तमिल सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे, और यहाँ पे बेल्जियम की तरह कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है, और ये अपनी क्या कहते हैं मेजॉरिटी को पूरी तरीके से इंजॉय करेंगे और तमिल स्पीकर्स के इंटरेस्ट को, उनके डिमांड्स को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे. ओके और यही कारण बनता है आपके श्रीलंकन सिविल वार का. आइए उसको भी जानते हैं, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, देखिए सिविल वार इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिविल वार क्यों होता है. ठीक है, इन श्रीलंका देयर इज नो कंट्रोवर्शियल पॉइंट लाइक बेल्जियम. श्रीलंका में कोई भी बेल्जियम की तरह कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है. दैट्स वाई द बोथ कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डज नॉट सेटल डाउन ऑन अकोमोडेशन, जिसके कारण यहाँ की जो आपकी कम्युनिटी होती है वो किसी प्रकार के कोई भी अकोमोडेशन पे नहीं आती है, और इनके बीच फ्रिक्शन बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण वो फ्रिक्शन आगे चल कर सिविल वार में बदल जाता है. सिविल वार क्या होता है? सिविल वार मतलब कि एक ऐसा वार जो दो, मतलब एक ब्लडी शीट कह सकते हो कि एक कंट्री के अंदर जब दो अलग अलग जात धर्म के बीच में क्या कहते हैं किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां या हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको सिविल वार कहते हैं. इट इज़ अ इंटरनल वार. ओके, बहुत ही भयानक होता है जब दो, आप लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम राइट हो गया इस टाइप का. ठीक, जब इस टाइप की आपकी लड़ाइयाँ होती हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसको सिविल वार कहा जाता है. ठीक, द मेन रीजन ऑफ सिविल वार इन श्रीलंका इज द एक्ट ऑफ 1956 में श्रीलंका ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, और यही एक्ट आपके श्रीलंका में सिविल वार का मेन कॉज बना. अभी इस 1956 एक्ट में क्या था ये जानते हैं. पहला, 1956 एक्ट में आपके श्रीलंका में ये बताया गया कि द श्रीलंका रिकॉग्नाइज द सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. ये कह दिया गया कि वहाँ की जो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, सिन्हाला. पहला. दूसरा, द गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड ओनली सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर पोजिशन इन यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. ये भी कह दिया गया कि जो सिन्हालाज एप्लीकेंट्स होंगे या जो सिन्हालाज एस्पिरेंट्स होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और यूनिवर्सिटीज़ में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तमिल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही थी, डिनाइड कर रही थी. ठीक, थर्ड थिंग, दिस एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट दे प्रोटेक्ट एंड टॉस्टर्ड ओनली बुद्धिज्म रिलीजन. ठीक, ये भी कह दिया गया कि वो लोग केवल और केवल एक ही रिलीजियस को फॉलो करेंगे, और अपने कंट्री को क्या कहते हैं उस पर कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनल मॉडल पे अडॉप्ट करेंगे, और जो कम्युनल मॉडल पे जिस रिलीजियस को वो लोग मानेंगे वो रहेगा आपका बुद्धिज्म, ओनली बुद्धिज्म. दिस ऑल पॉइंट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द सिविल वार. ये सारे के सारे आपके मेजर रीजन थे श्रीलंका में सिविल वार के. इसके बाद क्या होता है, लगातार आपके तमिल स्पीकर्स अपने राइट्स के लिए, अपने डिमांड्स के लिए वहाँ पे, अपने राइट्स के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन लगातार आपके सिन्हाला स्पीकर्स उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, फाइनली वहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, सिविल वार. देखिए, इन 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल स्पीकिंग डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, बट द गवर्नमेंट डिनाइड्स इट्स रिपीटेडली एंड द डिस्ट्रस्ट बिटवीन the two communities turn into a widespread conflict called civil war. और आगे चल कर क्या होता है, सिविल वार. तो देखिए यहाँ पर दोनों की दोनों स्टोरीज को पढ़ के क्या समझ में आया, दोनों की दोनों स्टोरीज को पढ़ के ये समझ में आया कि बेल्जियम में पावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया, जिससे कन्फ्लिक्ट के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो गए. और आपके श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में पावर्स को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया है. यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर ने अपनी मेजॉरिटी को डोमिनेट किया माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जिससे यहाँ पे सिविल वार हुआ. तो आई थिंक आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. दो और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री थी जो 1830 में इंडिपेंडेंट हुई थी. जुलाई रिवोल्यूशन के दौरान 1830 में ये नीदरलैंड से इंडिपेंडेंस हुई थी, और 1948 में श्रीलंका डीकॉलोनाइज्ड हुआ था आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स से ये डीकॉलोनाइज्ड हुआ था 1948 में, मतलब कि 1948 में इसको आज़ादी मिली थी आपके ब्रिटिशर्स से. तो ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल इन्जॉय द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.